आम लोगों की समस्या का उनके घर द्वार पर त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला का तीसरा जिला स्तरीय जनमंच कार्यक्रम भोरंज विकासखंड के वरेड़ी में आयोजित किया गया, जिसमें ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस जनमंच कार्यक्रम में भोरंज तथा बमसन की 11 पंचायतों की 108 समस्याओं को लेकर आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 15 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि अन्य समस्याओं का 10 दिन के भीतर हल करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर 105 इंतकाल तथा 70 भविन प्रमाण पत्र भी बनाए गए। जनमंच में भोरंज की पपला, कक्कड़, धमरोल, लुदर महादेव, हणोक, धनेड़, अमरोह, जाहू, भोरंज, टिकरी, मनसिया तथा बमसन की बंधाणी, चंबो, कंजियाण, कोट, लगासा पंचायतों के लोगों ने अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष रखी। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं को शीघ्र व त्वरित गति से निपटाने के लिए पूरे प्रदेश में जनमंच कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है तथा आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान व प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है तथा इस दिशा में नए कार्यक्रमों तथा योजनाओं को प्रभावपूर्ण तरीके से क्रियान्वित कर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम में जिला प्रशासन के माध्यम से लोगों की प्रत्येक समस्याओं का समाधान सुनिश्चित बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रत्येक माह के प्रत्येक रविवार को जिला के दूरदराज क्षेत्रों में जनमंच कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें जन समस्याओं का मौके पर निपटारा करने के साथ साथ लोगों के विभिन्न प्रमाण पत्र, जिनमें विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, मकान एवं झोपड़ी की मुरम्मत हेतु सहायता, विधिक सहायता, सेनानी पेंशन, बार जागीर पेंशन, भूतपूर्व सैनिकों को एक्स ग्रेसिय ग्रांट, महिला मंडल युवा क्लब पंजीकरण, बीपीएल, आईआरडीपी, ऋण, भूमि समतल करने व भू संरक्षण कार्य हेतु आवास योजना तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं के फॉर्म भरने के साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों को ई समाधान के अंतर्गत अपलोड किया जाएगा और 10 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम लोगों के लिए वरदान साबित होगा। इससे जहां लोगों की समस्याओं का उनके घर द्वार पर निपटारा सुनिश्चित होगा, वहीं उनका धन व बहुमूल्य समय भी बचेगा, जिसे वह अपने अन्य कार्यों में लगाकर लाभ उठा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी सोच है कि गांव के अंदर, शहर के अंदर तो आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट लगती है और स्ट्रीट लाइट का बिल जो है नगर पालिका देती है, नगर परिषद देती है। परंतु मेरी एक सोच है, जैसे पंडित सुखराम जी ने संचार क्रांति के माध्यम से प्रदेश का नाम ऊपर किया, आज मुझे भी लगता है कि गांव के अंदर में एक ऐसी सोच के साथ आए कि हम ऊर्जा लाइट लगाते हैं परंतु किन्हीं घरों तक सीमित रह जाती है। प्रदेश के अंदर, हमारे गांव के अंदर ऊर्जा लाइट लगे, ऊर्जा के माध्यम से पूरा गांव हमारा ऐसे लगे जैसे स्ट्रीट लाइट हमारी जो होती है। ये मुख्यमंत्री जी ने मुझे कार्यक्रम सौंपा है, बहुत जल्द इस कार्यक्रम को लेकर हम प्रदेश के अंदर पिछड़ी बस्तियों के अंदर और दूसरी गांव के अंदर सभी के अंदर हम एक ऐसा कार्यक्रम लाएंगे जिसके माध्यम से आपको मालूम ना पड़े कि शहर में है कि गांव में है। ऐसी योजना जो है इस प्रदेश के अंदर हम करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए जनमंच कार्यक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की तथा इसे आम जनमानस के लिए वरदान बताया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार के पहले रविवार को आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम में विशेषकर जिला के दूरदराज क्षेत्रों के लोग लाभान्वित होंगे। इससे पहले विधायक कमलेश कुमारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा जनमंच कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान बताया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा लोगों की समस्याओं को उनके घर द्वार पर हल करने के लिए जो पहल की है वह गरीबी उन्मूलन में मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक अनिल दिमान, एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा, मंडलाध्यक्ष जयमल, महामंत्री राकेश ठाकुर, उपायुक्त डॉ ऋचा वर्मा, एडीसी रतन गौतम, अरण्यपाल जोशी, एएसपी बलवीर ठाकुर, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता दीपक शर्मा, अभय बी लबली सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।